छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला धर्मपुरा में पदस्थ शिक्षक पहाड़ सिंह यादव एवं संतोष कुमार बरसैया पर धर्मपुरा के ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं कलेक्टर छतरपुर को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। धर्मपुरा के कमलेश अहिरवार ने बताया कि प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक पहाड़ सिंह यादव एवं माध्यमिक शाला धर्मपुरा में पदस्थ शिक्षक संतोष कुमार बरसैया के शाला में आने जाने का समय निर्धारित नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों शिक्षक विगत कई वर्षों से धर्मपुरा में पदस्थ और अपनी मनमर्जी से शाला में आना जाना करते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षकों की लापरवाही बरतने की शिकायत बिजावर SDM और बिजावर BEO सहित 82 से कई बार की गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं उपरोक्त गंभीर मामले में DPC RP लखेरे ने बताया कि ग्रामीणों के आवेदन पर बिजावर BRC प्रकाश चंद्र चौरसिया को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर शिक्षा के मंदिर में ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर शिक्षा विभाग क्या कार्यवाही करता है, यह बड़ा सवाल है। जी सर, ग्राम पंचायत धर्मपुरा से आए सर। बहुत सारे स्कूल से संबंधित सर समस्या है सर। क्या नाम है? जी, मेरा नाम कमलेश अहरवार। कितने लोग आए हैं? हम लोग 15-16 लोग आए सर। क्या समस्या? समस्या सर, शिक्षा से संबंधित जिस समस्या है कि टीचर मनमानी कर रहे हैं, जिसमें पदस्थ जो माध्यमिक शाला में संतोष कुमार बरसैया जी है और प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं मतलब पहाड़ सिंह यादव जी, जिसमें वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और जिसमें ना उनके आने का समय है ना उसमें उनको जाने का समय है। आते हैं तो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। और उसमें एक और है कि वो साथ में व्यापारी भी कर रहे हैं, आते हैं बैठे रहते हैं और समय से चले जाते हैं। व्यापारी में गल्ला व्यापारी करते हैं सर, गल्ला व्यापारी करते हैं सर। अच्छा। जी सर, कैसे नहीं स्कूल में नहीं करते, जैसे समय से आते हैं मतलब आते नहीं हैं, हो सकता है अपना समय मतलब व्यापारी में दे दें, व्यापारी में समय देने के बाद जो भी समय उनके पास बचा वो आ जाते हैं अपने स्कूल में आते हैं, मतलब उनका आने का कोई नियमित समय नहीं है स्कूल का, और बच्चों को कभी क्लास में जाते नहीं पढ़ाते नहीं है, कभी उनने अपनी पुस्तक खोल के बच्चों को पढ़ाई नहीं होगी कि बच्चों को कभी मतलब उसमें ना मतलब नोट सीट में जो भी हो मतलब उनको कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। बच्चों का भविष्य खराब हो जी, जिससे बच्चों का शिक्षा लेवल बिल्कुल है। अभी चाहते हैं आप, क्या मांग? हमारी मांग ये है कि मतलब इन टीचरों का ट्रांसफर करना चाहते सर, अच्छे टीचर आएँ जिससे बच्चों का भविष्य बने, हमारी यही समस्या है सर। आप कहाँ आए? आज सर छतरपुर आए थे सर। जी सर, जिला शिक्षा अधिकारी के पास। जी जी, किस प्रकार का मामला है? उन्होंने शिकायत की है कि वहाँ की शाला में अव्यवस्थाएं हैं, शिक्षक समय पे आते नहीं हैं, समय पे जाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं। मैंने अभी BRC को मौके पर ही निर्देश दिए हैं कि उनकी आज ही जो है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा एक पत्र भी सौंपा गया है, वो भी मैं BRC को जाँच के लिए भेज रहा हूँ। जाँच में यदि किसी भी तरह का दोष शिक्षकों को पाया जाएगा, कर्तव्य से भी पाए जाएंगे, विमुख पाए जाएंगे, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखने में आ रहा है, कल भी जो है कुछ लोग सरैया से आए थे, वो भी शिकायत कर रहे हैं, और ये धर्मपुरा काफ़ी दूर है बिजावर विकास के लोग आए, तो क्या आपने यहाँ से जो मॉनिटरिंग है, जो दल है, वो सतत भ्रमण नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात आ रही है, क्या मतलब लग रहा है? मैंने अभी बोला है कि उस शाला का लगातार भ्रमण करें, और ऐसा भ्रमण करें कि सुबह 10:30 बजे और सुबह शाम को 4:30 बजे ही पहुँच करके उस शाला में देखें कि समय पर आ रहे हैं और जा रहे हैं नहीं, तो इसलिए हम उसका विशेष रूप से जो शाला खोलने का और बंद होने का समय है उस टाइम पे आकस्मिक उसके निरीक्षण के लिए निर्देश अभी दिए हैं, और उसमें अगर किसी भी तरह की गलती पाई जाती है शिक्षकों की तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव कलेक्टर महोदय को भेजें।